अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन्स, इट इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ। हेल्थ इज़ 10 टाइम्स बेटर देन वेल्थ। सो द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू हेल्थ इन इट्स नेशनल एजेंडा। पाकिस्तान हैज़ बिन फेसिंग वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इट्स हेल्थ सेक्टर्स सिंस द क्रिएशंस। लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, तो अभी हम ना विज़िट करते हैं, ये पेशेंट जो हैं बाहर भी खड़े हैं, अंदर देखते हैं कितना रश है। तो आई रिमेन अ साइलेंट फॉर अ मिनट्स, लुक एंड एंजॉय। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ अ प्राइवेट यूनिट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ओनली द इलीट कैन अफोर्ड द स्काई रॉकटिंग फीसेस ऑफ द डॉक्टर्स एंड स्काई रॉकटिंग प्राइसेस ऑफ मेडिसन्स। द पुअर्स आर अनएबल टू इंजॉय गुड हेल्थ फैसिलिटीज। दे ऑफ्टनली rush towards government hospitals, which have become a center of nepotism, red tapeism. In emergency, mostly during the delivery cases, most of the mothers dies on their way to the hospitals, because in developing countries like Pakistan has not a good infrastructures, so poor have to face multifarious problems. Ladies and gentlemen, ये जो system है डॉक्टरी का, एक बाकायदा chain बन चुकी है। doctors का hospitals है, doctor का ही अपना medical stores, then उसकी अपनी ही laboratory है। तो एक when an innocent and poor visit to a such a private hospitals, he in a routine he guessed that he will manage his treatment in 15 or 2000 or 1500, but when he visit to such a units, तो उसका वो 1500 लिबर्टी टेस्ट, then उसकी जो मेडिसन्स अपनी होती हैं वो लिखता ऐसे है, उसकी लिखाई की समझ नहीं आती। दूसरे स्टोर वाला जो है वो समझ नहीं सकता, ये वो मेडिसिन ही उसी कंपनी की रखेगा जो उसी के स्टोर से मिलेंगी। देन ये जो सारा सिस्टम है, और डॉक्टर जो आते हैं, आई स्पेशलिस्ट है जो कान का है, नाक का है, गले का है, मेदे का है, जिगर का है, कैंसर का है, कोई मतलब हड्डी का है, तो ये सारे जो डॉक्टर्स हैं वो लेबोरेटरीज के साथ, मेडिकल स्टोर के साथ जो है मिले हुए हैं। इट इज़ अ ट्रेजिक। वी मस्ट सर्व द पोअर्स। गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड गुड हेल्थ फैसिलिटीज टू द पोअर इन सच अ वे एज डिफाइंड बाई द लॉ। इन शॉर्ट्स, वी नीड्स मोर हेल्थ फैसिलिटीज, नो डाउट। पाकिस्तान नीड्स good infrastructure, good GT roads and motorways, but these are the secondary needs. First priority must be given to the health units. This is where we needs to go, because health is wealth. Health is 10 times better than wealth. तो ladies and gentlemen, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा।
लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।